हमारे ज़िंदगी में ना सबसे पहला स्थान हमारे खान पान का और हमारे शरीर का होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है और खुद ही बिगाड़ता है, तो दोष खुद को दीजिए, हालातों को नहीं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, बिकॉज मॉनसून चल रहा है एंड मॉनसून में सबसे ज़्यादा बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जुकाम, कफ एंड कोल्ड। बट अगर आप अच्छे से अपना खाने पीने का ध्यान रखते हो, स्पेशली मॉनसून में अवॉइड करते हैं बाहर खाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बट जो ऑफिस गोइंग पर्सन है, जो डेली ऑफिस जाती हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाहर कंट्रोल करना, बिकॉज ऑफिस में भी चाय, समोसे, नाश्ता वगैरह जब आप बाहर निकलते हो शाम के टाइम, तो वो छोटी सी भूख जो लगती है ना घर पहुंचने से पहले, वो आपको अनकंट्रोल कर देती है कि आप बाहर ना खाएं, है ना। लाइक गरम गरम टिक्की ले लो, पानी ये बताशे ले लो, या फिर कुछ भी जो गरम मिल रहा है बाहर आप खाते हुए आते हो। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो हमेशा अपने लिए एक मिड ब्रेकफास्ट का डब्बा लेके जाएं। 5 से 6 बजे वाली जो भूख होती है ना, वो बहुत खतरनाक वाली होती है एक्चुअली में। उस टाइम क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, जो भूख होती है ना उसमें हमें कंट्रोल खो देते हैं। हम सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक काफी अच्छी डाइट फॉलो कर लेते हैं, और जो शाम के 5 बजता है तब हमारी सब बेकार हो जाता है, क्योंकि हम अगर बाहर हैं तो हम ऑब्वियसली खाएंगे ही, कोई भूखा तो रहेगा नहीं। तो ऑलवेज कैरी योर इवनिंग स्नैक विद योर। अगर आप जा रहे हो 3-4 दिन, आपको लगातार जाना है बाहर, आपको पता है 3-4 दिन का भाई मामला है, काम है, कुछ भी बैंक का काम है या किसी पर्सन का काम है, घर का काम है, आपको बाहर निपटाना है, 4 दिन बराबर जाना है, तो ऑलवेज प्रिपेयर योर इवनिंग स्नैक, ठीक है। अगर ऑफिस गोइंग है तब तो भाई आपको करना ही होगा। तो अगर आप 4 से 5 के बीच में कोई भी इवनिंग स्नैक अपना कैरी करते हो, चाहे रोस्टेड मखाने या रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स वगैरह या एनी एप्पल वगैरह, कोई भी सीजनल फ्रूट हो इस टाइम का, बनाना एंड या फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, इफ़ यू कैन कैरी विद योर सेल्फ, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इवन कॉफ़ी भी, गर्म कॉफ़ी भी आप ले सकते हो विदाउट शुगर इवनिंग स्नैक्स में। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो आप खाओगे बाहर चाट पकौड़ा खाते हुए, घर में आओगे फिर घर में भी खाओगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स आपके लिए, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए, आपकी वेट मेंटेनेंस के लिए, सब पे लागू होता है। तो चलो, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 2 रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप अपने डिनर में बना सकते हो, फटाफट बनेगा, 5 मिनट में बनता है ये, एंड अपने ब्रेकफास्ट में भी वो खा सकते। सो आज मैं जो रेसिपी दिखाने वाली हूँ वो वेट लॉस रेसिपी है सीरियसली, एंड आपकी एक होता है ना क्रेविंग को भी कम करेगा, आपको सेटिस्फाइड देगा, हेल्दी तो है ही है। 2 रेसिपी हैं, एक जिनको मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, जैसे कि मैं, मुझे क्रेविंग बहुत होती है मीठे की, मुझे हफ्ते में 3 दिन तो ऐसी कोई रेसिपी चाहिए डिनर में जो कि मैं अपनी क्रेविंग कम कर सकूँ, जिसमें से मैंने ये वाली बनाई थी। सो मैंने सोचा आपको शेयर करूँ, तो इसे आप डिनर में भी, ये है शीरा, और इसे आप डिनर में और ब्रेकफास्ट में दोनों में ले सकते हो जब लेना हो। एंड द सेकेंड वन इज हमारा सूप है, वेजिटेबल सूप। मैं अपना बताऊं, मैंने जो वेट लॉस अपना किया है, मुझे कभी लगा ही नहीं है कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। मुझे तब लगा है जब मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया एक्चुअली, समझ रहे हो, तब मुझे लगा है कि हाँ मैं वेट लॉस पे हूँ। खाते पीते में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खाते पीते ही वेट लॉस किया, और ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रही हूँ, आप मेरे प्रूफ में वीडियोस पढ़े हैं, आप देख लो, मैंने 7 मील लेके अपना वेट लॉस किया है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वेट लॉस करो, खाते पीते करो, बट इन अ हेल्दी वे, एंड ट्राई टू कंट्रोल योर पोर्शन, ठीक है, बस इतना करना है आपने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की 2 रेसिपी 100% आपको पसंद आएगी, टेस्टी है, मॉनसून है, बारिश के टाइम पे मजा आ जाएगा खा के आपको, तो चलो शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने ये 5 सोख्ड बादाम लिए हैं जो मैंने रात में भिगो दिए थे, इनका छिलका निकाल दिया। आप नहीं मान लो भूल गए, आपको नहीं याद रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बना नहीं पाओगे, बना लोगे। बस ये है कि ये ऐसे करने से ना जब आप बाइट लेते हो ना शेरे की, तो वो एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है जब आप उसको च्यू करते हो, बहुत टेस्टी लगता है। बट ऐसे भी डाल सकते हो तुरंत धोकर आप, फिर क्रंचीनेस आएगी। और 2 मैंने डेट्स लिए हैं मीठे के लिए, नेचुरल स्वीटनर चाहिए इसमें, कोई भी शुगर वगैरह नहीं यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये रहा हमारा लौकी जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसका पानी निकाल देना, मैं बिल्कुल अच्छे से, एक जन के लिए बना रही हूँ तो इतना सारा नहीं चाहिए हमें। और ये मैंने बॉयल्ड दूध रखा है, जस्ट अभी बॉयल करके रखा है। और ये हमने देखिए लौकी ले लिया। एंड एज़ यू नो कि लौकी कितनी फ़ायदेमंद होती है, आप जितनी मर्ज़ी खा लें लौकी, कोई वेट गेन नहीं होने वाला है। जितना मैंने बनाया है क्वांटिटी, आपको मान लीजिए इतने में पेट नहीं फुल हो रहा है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा बना लें अपने लिए, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है आयरन की, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और उसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है। आप बाद में भी डाल सकते हो, लोग बाद में भी डालते हैं, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। उसके बाद लौकी डाल दी। अब इसको ना स्लो आंच में अच्छे से फ्राई कर लेना है, 5 मिनट तक तो करना है। जैसे ये मेरी, वैसे तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हो, बट आई प्रेफर एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है, एक सौंधापन आ जाता है। कोई भी आप खीर वगैरह या स्वीट वगैरह बनाते हो ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जैसे चिपक रहा है ना, इसका भी एक मज़ा है, ये क्रिस्पीनेस हो रहा है, ये लाल हो रही है ये हमारी लौकी। जैसी हल्की हल्की लाल होती जाए, बस उसके बाद हमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देने, डेट्स एंड बादाम। बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाली, आपको सेटिस्फाई करेगी, आपके टमी को सेटिस्फाई करेगी, और आप मज़े से सोओगे रात में गरम गरम खा के। इसके ऊपर मैंने डाला है मिल्क, और ये मेरा गाय का मिल्क है, फैट फ्री मिल्क है। अगर आप गोल्ड वाला लेते हो अमूल का, तो थोड़ा पानी मिला के यूज़ करें। मैंने देखो तब भी थोड़ा पानी डाला है, बिकॉज़ ये भी गाढ़ी होनी है, क्योंकि इसको भी मैं 2-3 मिनट 4 मिनट पकाऊंगी, ठीक है। तो 200 पर 250 ग्राम आप दूध ले सकते हैं आराम से। एंड बट ये ध्यान रखा ना, ऐसा मत करना कि 7 बजे आपने रोटी सब्जी खा लिया, दाल चावल खा लिया, और फिर 9 बजे आप चले खाने के लिए, तब आपका वेट लॉस नहीं होगा बल्कि वेट गेन होगा। बिकॉज़ ये अपने आप में एक मील है, इसमें मिल्क है, घी है, इसमें लौकी है ना, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, टेस्ट अच्छा करता है, डाइजेशन भी अच्छा करता है, इस मौसम के लिए बेस्ट होता है गले के लिए। तो बस हमारा ये देखिए फटाफट से शीरा रेडी हो गया है, और इसे हम गर्मा गर्म खाना है, ठंडा नहीं खाना है। या तो मौसम गर्मी है आपके यहाँ, तो फिर आप इसको चिल्ड करके खा सकते हो, बट गर्मा गर्म का मज़ा ही अलग है। मुझे खाने में थोड़ा सा फीका लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो होता है ना मसाले वाला डब्बा, जो हम सब्ज़ी बनाते हैं उसकी जो चम्मच होती है, बिल्कुल ज़रा सा मैंने जैगरी डाला, इससे टेस्ट और मज़ेदार हो गया। गार्निश के लिए मैंने एक अखरोट लिया है, आप पिस्ता ले सकते हो, काजू एक डाल सकते हो इसे दो, और इसे आप इंजॉय करें। टेस्टी सा, यमी सा, बिल्कुल मज़ेदार हमारा शीरा रेडी है। और कहते हैं ना कि वेट लॉस कर भी रहे हो ना, तो लगना नहीं चाहिए कि वही बॉयल्ड फूड खाना है, वही बोरिंग सा। नहीं, इवन हम डेली लाइफ में जब वेट लॉस भी नहीं कर रहे होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, जब आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल में आते हो ना, तो आपको ये फील होता है बल्कि कि यार पहले से तो ज़्यादा अब हम अच्छा खा रहे हैं एक्चुअली में। तो चलो मुँह मीठा तो हो गया, अब चलो हम बनाते हैं बढ़िया सा गर्मा गर्म सूप। उसके लिए मैंने लिया है एक प्याज छोटी सी, एक गाजर छोटी सी, एंड आधी से आधी शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च की जगह आप बीन्स भी यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है, इसमें मैंने 3 से 4 कलियाँ लहसुन की डाली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। प्याज डाली है, 4 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, प्याज, लहसुन, घी, कॉर्न, मक्के के दाने और गाजर, ठीक है। शिमला मिर्च हो ना हो चलेगा, या कोई और सब्ज़ी डालनी तो भी डाल सकते हैं, बट मेरी मानो सिर्फ ये 3-4 चीज़ों से बनाऊँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर वो तरह तरह की सब्ज़ियाँ डाल दोगे ना, वो टेस्ट बिगाड़ देगा। जैसे मैंने बताया वैसे डालो। इसमें से अगर कुछ रिमूव करना है तो शिमला मिर्च कर देना अगर ना पसंद हो। ऊपर से मैंने मतलब सब्ज़ियों को अच्छे से फ्राई करना है, सॉटे करना है धीमी आँच में। ऊपर से थोड़ा मैंने अदरक भी डाला है, मुझे अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, एंड मानसून सीज़न के लिए बेस्ट होता है।
अदरक आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अदरक तो हम डेली लाइफ में चाय में लेते ही हैं, सब्ज़ी में भी डालती हूँ वैसे तो मैं। सो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्न डाला है, ये आर्टिफिशियल कॉर्न नहीं है, ये मैंने भुट्टे मंगाए उसको छील के स्टोर करके फ्रीजर में रखा है ये, ठीक। तो ब्लैक पेपर तो सूप में चाहिए है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है काला नमक, और इसमें हम आधी से बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ओट्स, ये आपका स्टार्च का काम करेगा, आपको अलग से स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, सारी वेजिटेबल्स पक गई हैं, अब इन्हें हम 1 गिलास पानी डाल दिया इसमें, पानी ध्यान से डालना, और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसके बाद हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए ढक दिया, ये देखिए हमारा सूप रेडी है। और इसमें चाहें तो, वैसे तो मैंने घी डाला है थोड़ा सा हल्का सा, अगर थोड़ा सा बटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट ऐसे ही इंजॉय करें, यमी लगता है। एंड क्योंकि कॉर्न है ना बहुत टेस्टी लगता है, वो थोड़ा स्वीटनेस भी देता है। इसमें गाजर भी मैंने थोड़ी सी डाली है, इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, बस सारी चीज़ें खट्टी नहीं डालनी, इन प्लेस ऑफ एनी थिंग जो कि आपके पास ना हो, जो चीज़ अवेलेबल है उससे भी बना सकते हो, बट ट्राई दी सेम रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप, जैसे मैंने बनाई है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑफिस गोइंग पर्सन हो ना, आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। घर में बहुत ज़्यादा हैवी डिनर बना है, अपने लिए कुछ बनाना है फटाफट, तो ये बना सकते हो। तो बताओ कैसी लगी आज की ये दोनों रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना। जब आप ट्राई करो और जब आपको अच्छी लगे तो मुझे ब्लॉग में ज़रूर आप कमेंट करना, ठीक है। तो आप इन दोनों रेसिपी को हफ्ते में 7 दिन होते हैं कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, मॉर्निंग में या डिनर में। तो ऐसे ही अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए और ये वाली सीरीज़ आपको पसंद आ रही है जो मैंने आज वीडियो बनाया है, तो कॉमेंट ज़रूर करना। मैं ब्लॉग तो बनाऊँगी जो मैं बनाती हूँ एक्सरसाइज के साथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे आपको छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज, या करवाना ही आप एक्सरसाइज तो करवानी है, तो वो तो ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी और पूरा व्हाट आई ईट एंड आई पूरा रूटीन दिखाऊंगी। बट अगर आपको इस टाइप का स्पेशल ब्लॉग चाहिए जिसमें मैं सिंपल एवरीडे 2 रेसिपी शेयर करूँ, ब्रेकफास्ट की एंड डिनर की, तो कमेंट जरूर करना, मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूंगी, ठीक है। ओके, जिनको लंच की चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर लूंगी, ठीक है। लंच की मैं इसलिए नहीं देती, मैं हमेशा सोचती हूँ लंच में करो जो आपका ट्रेडिशन है। अगर आप साउथ इंडियन है, जो आप लंच में खाते हो वो खाओ, मराठी हो आप लंच में जो खाते हो वो खाओ, है ना। अगर आप बिहार साइड के हो, जो आपके लंच में जो बनता है वो खाओ, बंगाली हो आपके जो लंच में बनता है वो खाओ आप, है ना। तो एक लंच टाइम एक ऐसा मील होता है ना, तो जिसको वो मन नहीं करेगा कि वो कुछ स्पेशल बनाए, मैं उस नज़रिए से देख रही हूँ। बट अगर आपको वेट लॉस, स्पेशली वेट लॉस रेसिपी चाहिए लंच के लिए, विद नो रोटी सब्जी नहीं चाहिए, या स्पेशल सैलड वगैरह, खिचड़ी वगैरह ये सब चाहिए, मैं ये भी बना सकती हूँ। बट अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप ये सब खा के ना, फिर रात में आपको क्रेविंग होगी रोटी सब्जी की, समझ रहे हो। इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस देती हूँ कि लंच आप रोटी सब्जी करो, समझ रहे हो। कॉमेंट करना क्या चाहते हो, जैसे बचपन से यार रोटी सब्जी के बिना पेट नहीं भरता है, समझ रहे हो। किसी को 3 दिन सब्जी चावल खिलाओ मान लो, तो वो पेट नहीं भरेगा। हमें हमारी थाली में रोटी चाहिए, रोटी के बिना हमारा नहीं चाहिए, हम इंडियंस हैं यार, हम बचपन से वही खाते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, बताना कैसी लगी आपको मेरी छोटी मोटी टिप्स हेल्थ से रिलेटेड, और कुछ भी पूछना है कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर सकूँ। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।